तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी ने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने स्टार्ट किया था ट्रायंगल चैप्टर क्लास 9th के लिए, तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.1 को। तो देखेंगे कि इस वीडियो में कैसे हम ट्रायंगल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और इजी वे के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। और समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में समस्याओं को पूछिए, आपका समस्याओं का रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाएगा और आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल को सीखते हैं कुछ नया और इंटरेस्टिंग। एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9th के लिए ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है, फिगर भी आप लोगों के सामने है। पहले आप खुद ट्राई करेंगे इसे और फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। आपको ट्राई कैसे करना है, वीडियो को स्टॉप कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए अगर नहीं होता आप लोगों से तो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर है, चतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी चार भुजाएं होती है उसे हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, चार साइड्स होती है उसे हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, ठीक है। उसमें बोला गया है कि AC जो है AD के बराबर है, AC जो है AD के बराबर है। बात करते हैं B जो है वो AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, AB ये वाला जो साइड है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम कि एंगल, भले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या हमारे पास, और ये शो करना हमें, ठीक है लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन है ए बी सॉरी ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी, और दूसरा गिवन क्या है हमारे पास, इक्वेशन वन मान लेते हैं। दूसरा गिवन है कि ए बी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का, ए बी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो एंगल सी ए बी, तो एंगल सी ए बी बराबर होगा एंगल डी ए बी के, डी ए बी के, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ये क्यों होगा, रीजन भी लिख सकते हैं कि ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। रीजन में ये लिख दिया हमने, ठीक है। इक्वेशन टू इक्वेशन फर्स्ट हो गए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें शो क्या करना है कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है, ट्रायंगल एबीडी में, ठीक है, एबीसी और एबीडी, एबीसी एबीसी, ठीक है। ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये ऊपर येलो वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आप लोगों को, येलो वाला ट्रायंगल और ऑरेंज वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, और ये हमें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ देख लेते हैं इसका। आपको सारी चीजें लाइन बाय लाइन लिखनी है, इसी के नंबर मिलते हैं, क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है उसी को नंबर मिलते हैं। ये जो लिखने का तरीका होता है इससे आपको एक नंबर मिल जाता है। अगर आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं किया आप लोगों ने, उस ट्रायंगल को देखा गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है वही लिख दिया, तो उससे की भी एक नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को करना ही करना है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए। हमें ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी, दो ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी और एबीडी, तो इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी क्राइटेरिया को यूज कर सकते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था। तो देखिए एबीसी, ए बी सी और ए बी डी, ए बी डी, अच्छा
ठीक है, एबीसी और एबीडी में हमें दिया गया है एसी बराबर एडी, ये गिवन है, लिख सकते हैं इक्वेशन वन से। और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी और ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला दिख रहा है एबीडी, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है क्योंकि बाइसेक्टर था एंगल ए का एबी, तो सी ए बी बराबर होगा एंगल डी ए बी के, ये भी गिवन है बाय इक्वेशन टू। ठीक है, अब एक बार इसे फिर से देख लेते हैं इस फिगर को। इस फिगर में बोला है कि देखिए ये वाला साइड के बराबर हो गया, ये वाला एंगल के बराबर हो गया, एक और साइड या एंगल मिल जाए तो हम अपनी क्राइटेरिया लगा के सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जो ए बी लाइन है ए बी, वो ए बी सी में भी आ रहा है और ए बी डी में भी आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी, ए बी कॉमन, लिख दिया। ठीक है, तो अब दो साइड्स पता है हमें, एक एंगल पता है, तो दो साइड और एक एंगल क्या बताते हैं, साइड एंगल साइड। तो हम करेंगे ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल, क्या था हमारे पास ट्रायंगल एबीडी, ए बी डी के, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं। देखिए दो ट्रायंगल था हमारे पास, हमने दो ट्रायंगल में पहले लिखा कि गिवन क्या है, फिर प्रूफ क्या करना है, और फिर हमने स्टार्ट किया प्रूफ करना। हमने देखा कि ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी पहले से दिया गया था, ये एंगल भी बराबर दिया गया था, और हमें दिख रहा था कि ए बी कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर, तो हम इजिली प्रूफ कर सकते हैं, इजिली बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी डी के बाय एस ए एस द्वारा, साइड एंगल साइड द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए और इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द बताइए। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन भी कर रहे होंगे सॉल्व पेन कॉपी निकाल के, वीडियो को मूवी की तरह नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि मैथ को कभी देख के नहीं सीखा जा सकता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जब तक आप खुद पेन कॉपी नहीं उठा के करेंगे, तब तक आपको मैथ नहीं आएगी, चाहे वीडियो को 10 बार देखिए या 20 बार देखिए। तो सबसे पहले आपको कॉपी पेन निकाल के खुद ट्राई करना है, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है कि ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर है, हाँ हमें दिख रहा है फिगर में ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, इन विच ए डी जो है बी सी के बराबर है, ए डी जो है बी सी के बराबर है, दिख रहा है आपको कि जो ये ए डी है वो बी सी के बराबर पहले से दिया गया है। ठीक है, एंड एंगल डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल, एंगल सी बी ए, सी बी ए ये वाला एंगल के बराबर है। तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ये ऊपर वाला छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल, दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, बी ए सी, बी ए सी ये वाला ट्रायंगल, जो ऑरेंज वाला है वो ए बी डी है और जो रेड वाला दिख रहा है आप लोगों को वो बी ए सी है। तो इसको आपको प्रूफ करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, नहीं तो नहीं होगा, अगर है तभी तो पूछा है ना प्रूफ करने के लिए। तो चलिए प्रूफ करते हैं फर्स्ट पार्ट को, पहले लिखते हैं हम गिवन क्या है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी के, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। और कुछ गिवन है, एंगल डीएबी बराबर है एंगल सीबीए के, इसको सेकंड मान लीजिए। अब प्रूफ क्या करना है, हमें लिखेंगे टू प्रूफ, प्रूफ करना है हमें इन ट्राइंगल ए बी डी
सिमिलर है, सॉरी कॉन्गोरेंट है ट्रायंगल बीएसी के। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, प्रूफ देख लेते हैं इसका कि किस प्रकार से हम प्रूफ करेंगे, ठीक है किस प्रकार से इसका प्रूफ होगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा जो ए बी डी ट्रायंगल है और जो सी बी ए ट्रायंगल है उसमें उसमें ए डी और बी सी तो पहले से बराबर दिया है, गिवन है हमें, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, लिखेंगे कि ए डी बराबर है बी सी के, गिवन है हमें। दूसरा क्या कि एंगल डी ए बी और एंगल सी बी है, एंगल डी ए बी इक्वल टू होगा एंगल सी बी ए के, कैसे ये भी गिवन है। अब एक और साइड या एंगल पता चल जाए तो इजीली हम कर सकते हैं प्रूफ कि एंगल जो ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए सी के। तो देख लेते हैं और कुछ मिल रहा है क्या। देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड, ए डी ए बी ए बी साइड जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो बराबर है ए बी के, कैसे कॉमन, ठीक है। तो तीन कंडीशन मिल गई हमें, तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए सी के, बी ए सी के बाय, देखिए एक एंगल पता है हमें और दो साइड पता है, तो साइड एंगल साइड से ही हो रहा, साइड एंगल साइड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे आप लोग, आपको मजा आ रहा होगा, इजीली समझ आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा क्योंकि बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को। अब देखिए आपको बी डी और ए सी के बारे में बताना है, बी डी बराबर ए डी है कि नहीं, सॉरी बी डी बराबर ए सी है कि नहीं, बी डी बी डी कौन सा, बी डी ए सी करस्पोंडिंग साइड्स हैं, तो बी डी बराबर ए सी करने के लिए हम लिखेंगे बाय सी पी सी टी, कुछ नहीं करना, सी पी सी टी से अपने आप प्रूफ हो गया। हमें पता है अगर ट्रायंगल जो है वो क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे, कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके जो करस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तो बाय सी पी सी टी से हमने बी डी बराबर ए सी कर दिया। आगे देखते हैं आगे कुछ है क्या, ये भी सी पी सी टी से हो जाएगा, करस्पोंडिंग साइड्स एंड करस्पोंडिंग एंगल्स जो है वो बराबर होते हैं, तो बाय सी पी सी टी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की, तो क्वेश्चन नंबर थ्री को कैसे करना है और क्या करना है आप लोग देखिए समझिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है सॉल्व करके बताइए जल्दी क्वेश्चन नंबर थ्री को कैसे करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसके बाद सॉल्यूशन बताइए इसका, क्या बोल रहे हो पढ़ लिया, ठीक है फिर बताओ सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या स्टेप होगा पहला। पहला स्टेप सबको पता है, पहला स्टेप क्या होता है गिवन लिखना होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है प्रूफ करना लिखना होता है कि क्या प्रूफ करना है, तीसरा क्या होता है प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन में बोला है कि AD और BC जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट, ठीक है जो AD है, AD का ये AD है और जो BC है वो दोनों इक्वल है परपेंडिकुलर पे, ठीक है फिगर में जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, तो सो डेट CD बाइसेक्टर AB, CD बाइसेक्टर होगा, CD का है जो बड़ी वाली साइड है CD वो बाइसेक्ट करेगी AB को, मतलब सो क्या करना है आप लोगों को पहले लिख लेते हैं, गिवन गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि जो AD है और BC है वो बराबर है, AD बराबर है BC के, AD बराबर BC के, ठीक है ये गिवन है हमें।
को वन मान लेते हैं। अच्छा प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि जो CD है, CD बाइसेक्टर है AB का। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब AO BO के बराबर होगा, ये प्रूफ करना आप लोगों को। AO BO के या OB के बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। लिखेंगे प्रूफ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या हमारी रणनीति होगी, क्या माइंडसेट होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, वो देख लेते हैं एक बार। कि देखिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसमें से भूल जाइए, दो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक तो ये BOC दिख रहा होगा, और दूसरा ट्रायंगल आपको रेड मार्कर से, रेड कलर से दिख रहा होगा, ये AOD, BOC और AOD। ठीक है, BOC और AOD दो ट्रायंगल है, तो कभी भी हम कॉन्ग्रुएंट वाले ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो ये दो ट्रायंगल को लेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उसके बाद CPCT से ये वाली साइड्स इक्वल हो जाएगी, क्योंकि पता है अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड सब बराबर होती है CPCT से, तो इजीली हम प्रूफ कर सकते हैं। यही कुछ माइंडसेट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD, AOD एंड ट्रायंगल BOC, BOC। ठीक है, दो ट्रायंगल है AOD और BOC। तो इस ट्रायंगल में देखिए AOC और BOD में क्या है, एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। क्यों होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। लिखेंगे बाय, या फिर लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, बात करते हैं दूसरे साइड की, तो दूसरा क्या कर सकते हैं, आपको पहले से दिया गया है कि AD जो है और BC है वो बराबर है, ये गिवन है कि AD बराबर है, AD बराबर है BC के, तो लिखेंगे गिवन। ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल AOD बराबर होगा एंगल BOC के। लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BOC के। ठीक है, बाय किसके, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BOC के, किसके, कौन से रूल से, कौन से रूल से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट होगा। तो देखिए दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है, तो दो एंगल, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तो AAS के द्वारा इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कैसे कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी क्राइटेरिया को यूज करना है। तो AAS द्वारा हम बोल सकते हैं कि जो ये दो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए दो ट्रायंगल लिया हमने, एक के वाला और एक के वाला, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का ये है, 90 डिग्री का ये है, तो ईच 90 लिख दिया हमने। ठीक है, ये साइड और ये साइड पहले से इक्वल दी थी, तो हमने लिख दिया इक्वल है, गिवन पहले से था, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये भी हमने लिख दिया, तो AAS द्वारा ये सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, समरूप नहीं सर्वांशम प्रूफ हो गए। तो आप लोग मेरे मुंह से काफी बार सुन रहे होंगे सिमिलर सिमिलर सिमिलर, तो सिमिलर को इग्नोर करेंगे और कॉन्ग्रेंट पे ध्यान देंगे, कि सिमिलर नहीं पढ़ना आप लोगों को, कॉन्ग्रेंट पढ़ना है। सिमिलर क्लास 11th और क्लास 10th में पढ़ेंगे आप लोग, तो इसलिए बार बार वही दिमाग में घूम रहा है, तो आप लोग कॉन्ग्रेंट पे ध्यान देंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर फोर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर फोर में बोला है कि एल और एम जो है दो पैरेलल लाइंस है, ठीक, दो समांतर रेखाएं हैं, इंटरसेक्ट कर रही है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी क्यू पे। देखिए चार पैरेलल लाइंस है, चार समांतर रेखाएं हमारे पास, पहले एल और एम और दूसरा पी और क्यू, ठीक है, दोनों कट कर रही है एक दूसरे को, तो शो करना है कि ए बी सी और सी डी ए बराबर होगा, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और सी डी ए, क्या सी डी ए, ये दूसरा वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आप लोगों को, एक येलो से दिख रहा होगा और एक आपको ऑरेंज से दिख रहा होगा, तो इन दोनों को ही आपको सिमिलर सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए हम मान लेते हैं ये एंगल वन है, ये एंगल थ्री है, ये एंगल फोर है और ये एंगल टू है, ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, सी डी ए, तो दो ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी और सी डी ए, ए बी सी, ए बी सी और सी डी ए, ठीक है, तो एंगल वन बराबर एंगल टू होगा, आप सबको पता है एंगल वन बराबर एंगल टू क्यों होगा, एंगल थ्री बराबर एंगल फोर क्यों होगा, तो ये क्यों होगा, लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अंतः एकांतर कोण से हम बोल सकते हैं कि एंगल दो एक बराबर एंगल दो होगा, एंगल तीन बराबर एंगल चार होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, दो समांतर रेखाएं दे रखी है और दो समांतर रेखाओं के बीच का जो एंगल होता है वो एकांतर कोण होता है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। बात करते हैं तीसरे साइड की, तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों ट्रायंगल में जो एसी है, एसी एसी कॉमन है, एसी दोनों ट्रायंगल में है, तो लिख सकते हैं कि जो एसी है एसी इक्वल टू एसी, लिखेंगे कॉमन, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए के, क्यों होगा, बाय देखिए दो एंगल है एक साइड है, दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड, तो एंगल एंगल साइड से हम क्राइटेरिया का यूज करके बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को वीडियो, क्योंकि वीडियो में बहुत ही आसान कंसेप्ट के साथ आप लोगों को बताया जा रहा है, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं होंगे कॉन्ग्रुएंट करने में ट्रायंगल को, कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, रूल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया जाता है, कोई भी डाउट नहीं होगा, तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखिए ताकि आपके जो नंबर हैं वो इंक्रीज हो सके, आपके परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए, एंगल ए का जो है बाइसेक्टर है लाइन ए, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, लाइन लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये जो लाइन एल है ये एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो लिख लेते हैं गिवन क्या हमें, गिवन गिवन है हमारे पास कि एंगल बी ए क्यू, बी ए क्यू बराबर है एंगल बी ए क्यू बराबर है एंगल पी ए डी के, या फिर बी ए पी के, बी ए पी के क्यों बराबर है, लिखेंगे एल इज द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए, एल इज
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे रीजन। अब बात करते हैं, अब कुछ दिया है क्या और गिवन नहीं। अब बोला गया क्वेश्चन में कि बी इज द एनी पॉइंट ऑफ ऑन एल, एल जो है एल पे बी कोई पॉइंट है। बी पी और बी क्यू आर दी परपेंडिकुलर फॉर बी एंड टू दी आर्म्स ऑफ एंगल ए, सो डैट ए पी वी और ए क्यू बी बराबर होंगे, सिमिलर होंगे। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व देखते हैं, लिखते हैं टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमें, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए क्यू बी के, ठीक है। प्रूफ देख लेते हैं इसका, प्रूफ क्या होगा कि एंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी, ट्रायंगल ए पी बी और ए क्यू बी में देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो देखिए ट्रायंगल ए पी बी और ए क्यू बी में ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को और ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 का है, क्यू 90 का और पी 90 का। तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल पी 90 का है और इस वाले ट्रायंगल में एंगल क्यू 90 का है। लिख देंगे ईच 90, ठीक है। अब देखते हैं हमें इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, पहले से क्वेश्चन में दिया गया था, क्योंकि एल जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए क्यू बराबर होगा एंगल बी ए पी के, क्यों होगा गिवन है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, कुछ दिख रहा है क्या और क्या कर सकते हैं। दो एंगल तो मिल गए हमें, अब कुछ और मिल जाए तो काम मिल जाएगा। देखिए ए बी, ए बी जो ए बी है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। तो लिख सकते हैं कि ए बी बराबर होगा ए बी के कॉमन। तो लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए पी वी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए क्यू बी के बाय ए एस द्वारा। दो एंगल है, एक साइड है, तो एंगल एंगल साइड द्वारा दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, बी पी और बी क्यू, बी पी क्या बी पी और बी क्यू ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी से, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड भी बराबर होते हैं। तो बाय सी पी सी टी ये दोनों भी बराबर प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि इन फिगर, आपको फिगर देगी है 7.21, ठीक है, 7.21 में देखना है। फिर बोला गया है कि एसी जो है एई के बराबर है, एसी एई के बराबर, एसी एसी एई के बराबर, ठीक है। और फिर बोला गया कि एंगल ए बी जो है एडी के बराबर है, ए बी जो है ए डी के बराबर है, ठीक है। फिर बोला है कि एंगल बी ए डी जो है, एंगल बी ए डी जो है एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी के बराबर है, ठीक है। शो करना है बी सी और डी बराबर होने चाहिए। जो बी सी है, बी सी का है बी बी सी और डी ई, तो ये दोनों साइड हमें प्रूफ करना है इक्वल है। तो पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या है और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो लिखेंगे गिवन
गिवन क्या है हमारे पास, एसी बराबर ए ई है, एसी बराबर ए ई है। दूसरी बात, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरी बात कि ए बी बराबर है ए डी, ठीक है, ये भी हमें इक्वल दे रखा है पहले से, और एक एंगल भी इक्वल दे रखा है, एंगल बी ए डी, बी ए डी बराबर है एंगल ई ए सी के, तो ये भी बराबर दे रखा है, ठीक है। इन तीनों का यूज कर सकते हैं क्या कुछ हम? देखिए, हमें प्रूव करना है बी सी बराबर डी ई होना चाहिए, बी सी, बी सी बराबर होना चाहिए डी ई के। तो ये बी सी और डी ई किस ट्रायंगल में आ रहा है? तो देखिए, ये जो बी सी है वो आ रहा है इस बड़े वाले ट्रायंगल में, और जो डी ई है वो इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है। ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक येलो वाला और एक ऑरेंज वाला। तो येलो और ऑरेंज वाले को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं कि जो साइड बीसी है और डीई है वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कि जो ये एंगल दिख रहा है डीएसी, डीएसी अगर एक एंगल ये बराबर होगा, एक एंगल ये बराबर होगा, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे ना। तो चलिए देखते हैं कि जो एंगल ये वाले हैं ये पहले से बराबर दिए गए हैं, और दोनों तरफ हम ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, देखिए अगर हम ऐड कर दें ये छोटा वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल डी ए सी, अगर डी ए सी दोनों तरफ ऐड कर दें तो क्या आएगा, लिखेंगे एडिंग, एडिंग बोथ साइड एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी को दोनों तरफ ऐड कर देंगे हम। देखिए डी ए सी, अगर डी ए सी को हम इस एंगल में डी ए सी को ऐड करेंगे तो ये बड़ा वाला एंगल बन जाएगा, इस एंगल में डी ए सी को ऐड करेंगे तो ये बड़ा वाला एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी बराबर एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी बराबर हो, ठीक है। अब दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो प्लस करके क्या आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, प्लस करके क्या आएगा, कमेंट आ जाना चाहिए आप लोगों का, कमेंट करके बताइए प्लस करके क्या आने वाला है। देखिए बी ए डी, बी पहले से इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे और आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि बी ए डी जो एंगल बी है, ए है और डी है, उसके बाद जो डी ए सी है, जो ये डी है, ए है, सी है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बनेगा, ये ऑरेंज वाली लाइन जहाँ तक जा रही है मतलब ये वाला एंगल, मतलब बी ए सी, तो इन दोनों को प्लस करके बनेगा एंगल बी ए सी। इसी प्रकार से देखिए ई ए सी, ई ए सी कहाँ है, ई ए सी ये वाला एंगल, ये जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और जब ये छोटा वाला एंगल प्लस करेंगे इसमें हम ये वाला एंगल, तो जहाँ तक रेड वाली लाइन जा रही है मतलब ये बड़ा वाला एंगल बन जाएगा, ई ए डी बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ई ए डी, ठीक है। ये दोनों हमने प्रूफ कर, ये दोनों बराबर हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज में दो साइड, दो कुछ, कोई भी दो चीजें इक्वल हैं, तो इक्वल अमाउंट दोनों तरफ हम प्लस करें तो अभी भी वो दोनों भी इक्वल होंगे। मान लीजिए दो बराबर दो के हैं, ठीक है, मैंने दोनों तरफ एक एक प्लस कर दिया, तभी भी तो तीन बराबर तीन होगा, तभी भी तो ये दोनों बराबर ही होंगे ना, यही कहने का मतलब है मेरा यहाँ पे, तो इसी कंसेप्ट का मैंने यूज किया। तो चलिए देखते हैं इसका फायदा क्या हो सकता है हमें। दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आप लोगों को, नहीं दिख रहे तो मैं दिखाना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा और आप सुनना भी चाहेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए ट्रायंगल बी ए सी दिख रहा है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है,
दूसरा ट्रायंगल भी देख लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या है? ये ई ए डी, ई ए डी, दूसरा ट्रायंगल लिख देते हैं ई ए डी, ट्रायंगल ई ए डी, ठीक है। तो दो ट्रायंगल बराबर है, सॉरी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमें देखिए ए सी बराबर ए ई दिया है, तो लिखेंगे ए सी बराबर ए ई, ए सी बराबर ए ई दिया है, ये क्या है गिवन है। दूसरा क्या है? दूसरा है ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, ये भी गिवन है। तीसरा क्या है? तीसरा हमने प्रूफ किया था कि जो बी ए सी है और ई ए डी है वो दोनों भी बराबर है, तो इसको लिखेंगे एंगल बी ए सी, बी ए सी बराबर होगा ई ए डी के, यही था क्या? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले इन इक्वेशन टू, इक्वेशन फोर, तो यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेशन फोर, ठीक है। तो ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल ई ए डी के, ठीक है, बाय किसके, देखिए दो साइड है एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड के, साइड एंगल साइड के, ये हमने प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और आपको समझ आ चुका होगा। आप तो क्वेश्चन नंबर 7 कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है एंड पी जो है मिड पॉइंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है और पी मिड पॉइंट है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? एक रेखाखंड। देखिए ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है और पी उसका मिड पॉइंट है, मतलब क्या कि जो ये ए पी होगा और जो बी पी होगा वो दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो मिड पॉइंट है, पी जो है मिड पॉइंट है ए बी का। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि जो ए पी है और जो बी पी है वो बराबर होंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या हमें गिवन है, ए पी, ए पी बराबर होगा किसके, बी पी के, तो लिख सकते हैं हम बी पी, ठीक है, ए पी बराबर होगा, ए पी बराबर होगा बी पी के, ठीक है, लिख लिया, गिवन है, ओके। और हमें गिवन है कि जो एंगल बी ए डी होगा, बी ए डी ए बी ई के बराबर है और एंगल ई पी ए डी पी बी के बराबर है, तो ये भी लिख लेते हैं, ये भी हमें गिवन है कि एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल ए बी ई के, और दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल ई पी ए बराबर होगा एंगल डी पी बी के, इसको लिख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, लिख लिया हमने। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो डी डी ए पी और ई बी पी, डी ए पी कॉन्ग्रेंट है ई बी पी के, ठीक है, देखिए जो डी ए पी है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, और आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। दो ट्रायंगल क्या सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर की तो कंसेप्ट ही नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल डी ए पी और ट्रायंगल ई बी पी में, ठीक है, तो इसे करना है। इसके लिए हमें एक साइड तो पता है, अब क्या एंगल्स भी तो पता होने चाहिए, एक एंगल भी पता है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, सॉरी ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये भी पता है, कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी, ये वाला एंगल, और फिर
दूसरा एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। अब हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर दे रखा है, तो हम तो ट्रायंगल ये ले रहे हैं ना, अगर ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होता तो हम इजीली प्रूव कर सकते थे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था कुछ ऐड किया था, अगर इस एंगल में मैं ये वाला एंगल ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, इस एंगल में मैं ये वाला एंगल ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे। देखिए हमें दे रखा है ई पी ए और डी डी पी बी, ई पी ए, ई पी ए मतलब ये वाला एंगल, और डी पी बी, डी पी बी ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल हम दोनों में ऐड कर रहे हैं, एडिंग बोथ साइड करते हैं, कौन सा एंगल है ये, डी पी ई। तो लिखेंगे एंगल डी, सॉरी इसको मैं ऑरेंज से लिखता हूँ, ज़्यादा क्लियर दिखेगा आप लोगों को, एंगल डी पी ई, डी पी ई एडिंग बोथ साइड, ठीक है। डी पी ई को हम ऐड कर देते हैं बोथ साइड, तो देखिए क्या मिलता है हमें, एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई बराबर ये वाला एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई, डी डी पी ई। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए ई पी ए में डी पी ई प्लस करेंगे, ई पी ए में डी पी ई प्लस करेंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा, ये पूरा एंगल, ये पूरे एंगल का नाम है ए पी डी, तो एंगल ए पी डी लिखेंगे, इन दोनों के बदले एंगल ए पी डी आ जाएगा। और देखिए डी पी बी, डी पी बी ये वाला एंगल, इसमें अगर ये वाला एंगल ऐड करते हैं तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, इसे हम बोलेंगे बी पी ई, एंगल बी पी ई, ठीक है। तो ये हमने बराबर प्रूफ कर दिया, इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब प्रूफ करना है हमें क्या, कि ट्रायंगल डी ए पी और ट्रायंगल ई बी पी जो होगा वो बराबर होगा। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, डी ए पी, तो लिखेंगे ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई पी बी, ई बी पी, दो ट्रायंगल हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ए बी ए पी है और जो बी पी है वो पहले से बराबर है, तो लिखेंगे ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी, लिखेंगे ये बात, ठीक है। अगला लिख लेते हैं कि जो एंगल है बी ए डी और एंगल ए बी ई जो है वो भी बराबर है, तो लिखेंगे एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल किसके, ए बी ई के, ए बी ई के, ठीक है। क्यों होगा, गिवन है ये भी हमारे पास, ओके। अब हमने ये प्रूफ किया, अभी दोनों तरफ एडिंग करके ये प्रूफ किया कि एंगल ए पी बी डी जो है एंगल बी पी ई के बराबर होगा, तो लिख लेते हैं कि एंगल ए पी डी बराबर होगा एंगल, ए पी डी बराबर होगा बी पी ई के, एंगल बी पी ई के, क्यों होगा, बाय इक्वेशन, इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर थी तो लिख लेते हैं बाय इक्वेशन फोर, ठीक है। तो तीन स्टेटमेंट मिल गई हमें, दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गए, तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो है डी ए पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई बी पी के,
क्यों होगा? क्राइटेरिया कौन सी लगेगी? दो साइड, दो एंगल है, एक साइड है, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट देखिए, ED बराबर BE, ED क्या है और BE क्या है? AD, AD और BE, इसी ट्रायंगल की दो साइड्स है। तो आप सभी को पता है कि ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो उसकी जो करस्पोंडिंग साइड्स होती है, करस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो बोल सकते हैं कि बाय CPCT ये दोनों बराबर होंगे। CPCT क्या होता है? करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसके तहत, इसके द्वारा हम बोल सकते हैं कि AD बराबर होगा BE के। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो आप इसे जरूर से ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद ही वीडियो को प्ले करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते रहिएगा, जिससे कि पता चल सके कि आप लोग एक्टिव हैं और एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि ABC जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल सी पे है, हमने बना लिया राइट एंगल सी पे, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, AB का मिड पॉइंट एम है, मतलब ये बराबर होगा इसके, बिल्कुल ठीक है। सी इज जॉइनिंग टू एम एंड प्रोड्यूस टू PND, ठीक है। DM और CM बराबर दे रखा है, DM और CM पहले से बराबर दे रखा है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMC ये वाला ट्रायंगल और BMD ये वाला ट्रायंगल। तो चलिए पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या दिया है हमें, कि क्योंकि ये मिड पॉइंट है AB का, तो AM बराबर BM होगा। तो लिखेंगे AM बराबर BM होगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और हमें पता है कि हमें दिया गया है DM और CM बराबर है, लिखेंगे DM बराबर है CM के, ये सेकंड हो गई, ठीक है। और कुछ दिया है क्या? और दिया है कि एंगल सी जो है 90 डिग्री का है, ये भी दिया गया है, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए दो ट्रायंगल है हमारे पास, कौन कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, दो ट्रायंगल है AMC और BMD। तो AMC और BMD में हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हमें पता है कि जो ये वाला ट्रायंगल है छोटा वाला और ये छोटा वाला ट्रायंगल है, इसमें DM और CM बराबर है, लिखेंगे पहले कौन सा ट्रायंगल लिखा हमने, ए वाला लिखा, तो पहले लिखेंगे CM। इस चीज का भी काफी ध्यान रखना आप लोगों को, नहीं तो मार्क्स कट सकते, ये गिवन है, ठीक है। अगला क्या है? अगला है देखिए AM और BM भी बराबर है, AM और BM भी बराबर है, ये भी गिवन है, ठीक है। और कुछ है क्या? देखिए ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा, क्यों? वर्टिकल ये अपोजिट एंगल है, तो एंगल BMD बराबर होगा एंगल BMD बराबर होगा CMA के। क्यों होगा? रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो गया।
हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बीएमडी के, ठीक है, किससे होगा, बाय, देखिए दो साइड है एक एंगल है तो साइड एंगल सेट से, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर लिया, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आपको ये समझ आया होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से हमने प्रूव कर लिया। बोला गया है कि एंगल डी बी ए इज द राइट एंगल, ये प्रूव करना है कि एंगल डी बी ए, बी ए सॉरी डी बी ए है क्या, डी बी सी है, डी बी सी ये वाला एंगल भी राइट एंगल। तो हमें पता है कि एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी और एंगल ए सी बी, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 होगा, एस वी नो डैट एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों बराबर, क्यों होगा 180 के बराबर, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर इंटीरियर एंगल, ठीक है, वो इंटीरियर एंगल है इसलिए बराबर होगा, क्योंकि हमें ये तो निकालना ही है एंगल डी बी सी, लेकिन हमें पता है कि एंगल ए सी बी, ए बी सी को एंगल सी बी बोल सकते हैं, ये वाला एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल ये 90 है, ये पहले से पता है हमें, क्यों लिख देंगे कि ये जो है 90 डिग्री का है इक्वल टू 180, तो एंगल डी बी सी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, ठीक है, तो लिखेंगे एंगल डी बी सी बराबर 180 में से 90 क्या 90 डिग्री, तो एंगल डी बी सी 90 डिग्री प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आपको बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए सी बी में, देख लेते हैं फिगर को, देखिए आपको बोला है ट्रायंगल डीबीसी और एसीबी, डीबीसी और एसीबी, अच्छा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल बराबर है, सिमिलर है, सब प्रूव कर रहे हैं, तो ठीक है। इससे पहले एक काम करते हैं, हमें पता है कि एंगल एएम बराबर बीएम है, एएम बराबर बीएम है, तो मैं इन दोनों को अगर प्लस करूं तो एएम को प्लस करो बीएम में तो एबी मिल जाएगा हमें, ठीक है, एएम बीएम और डीएम सीएम, आपको पता है कि हमने ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर प्रूफ कर दिया, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो ये वाला एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल ये वाला एंगल के बराबर होगा एंगल बी डी सी बराबर होगा एंगल सी ए बी के, सी ए बी के क्यों बराबर होगा, सी पी सी टी से, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 5। अब करते हैं अपना सॉल्यूशन, आपको बोला गया कि एंगल, देखिए इसमें एंगल ये जो है एंगल डी बी सी बराबर एंगल ए सी बी है, ईच 90 है, अभी 90 प्रूफ किया था हमने डी बी सी को, डी बी सी को 90 प्रूफ किया था और हमें ए सी बी पहले से 90 दिया था, तो ईच 90 हो गया, ठीक है। बात करते हैं, अब हमें पता है बी सी और बी सी कॉमन है, तो बी सी और बी सी कॉमन लिख लेते हैं, बी सी बराबर बी सी कॉमन, ठीक है। अगला ट्रायंगल देख लेते हैं, अच्छा हमने अभी क्या था कि बी डी ए, बी डी ए ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर होगा,
तो बी डी ए सी ए बी के बराबर होगा, बी डी ए एंगल बी डी ए एंगल सी डी बी डी ए सॉरी बी डी सी था ना, बी डी सी सी डी ए के, बी डी सी बी डी सी डी डी सी बराबर होगा एंगल किसके, कौन सा एंगल है, सी ए बी के, सी ए बी के, ठीक है, क्यों होगा, इक्वेशन फोर के द्वारा, ठीक है, फोर था फाइव था, काफी दिक्कत हो रही है पीछे डायग्राम है इसलिए, तो आप लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो डायग्राम सामने ही बनाएंगे, ठीक है, अब मैं बार बार तो बना नहीं सकता ना, तो इसलिए मैं बस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए ये प्रूफ हो गया, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल डीबीसी, ट्रायंगल एसीबी के कॉन्ग्रेंट होगा बाय, देखिए दो एंगल है एक साइड है, तो एंगल एंगल साइड के द्वारा, चलिए आगे देखते हैं, अगला पार्ट है सी एम बराबर एक बटा दो ए बी, सी एम बराबर एक बटा दो ए बी, सी एम, सी एम बराबर एक बटा दो ए बी, देखिए ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिल रहा है हमें, इक्वेशन फर्स्ट से ए एम बराबर बी एम, इक्वेशन फर्स्ट से ए एम बराबर बी एम है, इक्वेशन फर्स्ट से ए एम बराबर बी एम है और डी एम बराबर सी एम है, तो डी एम बराबर सी एम, डी एम बराबर सी एम, डी एम बराबर सी एम, ये फर्स्ट ये सेकंड था, ठीक है, अगर हम ए एम और डी एम को प्लस करें तो कुछ बनेगा क्या, ए एम और डी एम को, ए एम और डी एम को कुछ नहीं बनेगा, इसी प्रकार से अगर बी एम सी एम को प्लस करें, बी एम बी एम सी एम कुछ नहीं बनेगा, तो डी एम डी एम को प्लस करें तो डी एम और डी एम को प्लस करें कुछ नहीं बनेगा, ए एम सी एम को प्लस करें तो ए एम ए एम बी एम को प्लस करें, ये तो इसको क्या कर सकते हैं, सी एम ए बी का हाफ होगा, क्या कर सकते हैं हमसे, सोचिए कमेंट करके बताइए क्या कर सकते हैं, क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे का, ए एम बराबर बी एम है और डी एम बराबर सी एम है, अगर इन दोनों को प्लस करूं तो क्या कर सकते हैं, ए एम सी एम, चलिए इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, आप जब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर क्या आना चाहिए, अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर हम अगली क्लास में आपको जरूर से बताएंगे, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा और इंजॉय किया होगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी बताते रहिए कि एक मुफ्त शिक्षा की क्रांतिकारी पहल चल रही है जिसके तहत शिक्षा मुफ्त में प्रोवाइड की जा रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्किल तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको अच्छी नॉलेज दी जा रही है वो भी मुफ्त में, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।